हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से अरवी की सब्जी, जिसे कहीं कहीं घुइया भी बोला जाता है। इसे बनाना थोड़ा सा टफ इसलिए माना जाता है ना कि इसको बनने के बाद से थोड़ा सा गले में ऐसे जैसे खराश आने लगती है या तो हाथ में खुजली होने लगता है। इन सारी चीज़ों से हम बचते हैं, लेकिन अगर सिंपल तरीके से बनाएंगे बहुत बढ़िया से तो सब्जी जो है बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए फिर आज अरवी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अरबी की सब्जी के लिए मैंने 500 ग्राम अरबी लिया हुआ है। जब मैं बाजार से लाई थी तो इसको अच्छे से ना धुल के रख दिया था, क्योंकि इसमें मिट्टी होते हैं ज्यादातर से, तो अच्छे से इसको साफ करना होता है। और अब बनाने के टाइम ना एक बार और मैंने इसको अच्छे से धुल लिया है ताकि कहीं से थोड़ा सा भी मिट्टी ना रहे। अब इसे हमें उबालना है, तो जैसे हम आलू उबालते हैं ना वैसे ही उबालना है। तो कुकर ले लेंगे और उसमें डालेंगे और पानी उतना डालेंगे ना जितना कि ये डिप रहे, बस उतना ही पानी लेना है। बस एक सीटी आने देना है, इससे ज्यादा इसको नहीं पकाना है, बहुत बढ़िया से ही उबल जाएगा। जब तक कि अरवी जो है उबल रहा है तब तक इसकी तैयारी कर लेते हैं। और आज ये सब्जी ऐसे बनाएंगे कि इसमें कोई भी लहसुन प्याज की जरूरत नहीं होगी और इसमें टमाटर भी नहीं जाएगा। तो जब ये ऐसे सावन चल रहा है तो बहुत लोग बिना लहसुन प्याज के सब्जी खाते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। और इसी सीजन में अरवी मिलता भी है, बरसात के सीजन में, तो आप इसे जरूर बनाइए। देखिए मैंने कैसे बनाया है, जिसे बहुत बढ़िया ये बना है। छोटा टुकड़ा मैंने अदरक लिया है और हरी मिर्ची मैंने एक लिया है, आप मिर्ची बढ़ा सकते हैं। धनिया की पत्ती है कुछ और साबुत 2 चम्मच ना धनिया लिया हुआ है। सिलबट्टे पे इसको हल्का सा मैंने ऐसे दरदरा कर दिया है एक साथ, पहले बारी बारी थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया है ताकि गिरे नहीं। फिर जैसे ही मिक्स होने लगा है तो सारा चीज ना जो मैंने डाला है उसको डाल के अच्छे से हमें कूट लेना है। तो इसे आप मिक्सर में ना चलाएं, अगर सब्जी बहुत टेस्टी बनानी है ना तो एक बार इसे सिलबट्टे पे या खलनी तो घर में होता ही है जिसमें हम अदरक कूटते हैं, उसमें भी ये तैयार कर सकते हैं। ये जो हमारी मज़ेदार वाली है दरदरी वाली जो चटनी हो गई ना, जैसे हरी मिर्ची है, अदरक है, साबुत धनिया है और धनिया की पत्ती भी है, तो बहुत मज़ेदार लगता है। इससे जो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और कड़वाहट भी नहीं लगेगा और गले में जो थोड़ा सा खसखसाहट आता है ना वो भी नहीं होगा। तब तक ये सीटी भी दे दिया है, बस इसी समय हम इसकी गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देते हैं जब तक कि स्टीम ना निकले। बस एक ही सीटी हमें ले आना है। तो देखिए मैंने गैस ऑफ कर दिया था और इसको जैसे ठंडा हो गया ना, स्टीम निकल गया है, फिर इसको खोलेंगे ढक्कन और एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन एक सीटी में परफेक्ट तरीके से उबल जाता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना है। बस चढ़ाया और एक सीटी लाया, अरबी जो है बढ़िया से बॉयल हो जाएगा। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करेंगे, तो जैसे पंखे के नीचे आप छोड़ सकते हैं या ऐसे ही किचन में थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अभी तो गर्मी का टाइम है, अगर बाहर ऐसे छोड़ देंगे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो इससे बढ़िया ना इसे पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि जल्दी से ही अरवी जो है ठंडी हो जाएगी। अब अरवी को मैंने ऐसे पंखे के नीचे छोड़ दिया था, मुझे लगा टाइम वेस्ट हो रहा है तो क्यों ना इसके नीचे बैठ के ही छील दिया जाए और उसको काट भी दिया जाए ताकि साथ साथ में दोनों काम हो जाएंगे। और गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक किचन में थोड़ा रहना भी इस समय बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पंखे के नीचे ही बैठ गई हूँ, साथ में ये भी ठंडा हो रहा है, जितना कि हाथों में अरवी आ जा रहा है उतना ही ठंडा हो चुका है। तो इसको छीलेंगे जैसे आलू हम छीलते हैं ना उबलने के बाद से, वैसे ही छीलेंगे। और इसको काटना है तो एक अरवी जो मैंने लिया हुआ है उसमें मैंने 4 पीसेज किया है, तो जितना छोटा है बड़ा है आप अपने हिसाब से साइज बना सकते हैं, या तो लंबे में कर दीजिए पतला पतला, या तो जैसे हम आलू की जो मसाले वाली सब्जी बनाते हैं ना वैसे बनाना है। और इसको हमें फ्राई करना है, तो उसका छोटे टुकड़े जो है थोड़े बड़े रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा बनने में भी और बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। बस इतने देर में हमारा जो अरवी जो है ठंडा हो गया है और इसको मैंने कट करके तैयार कर लिया है। फाइनली आ जाते हैं गैस की तरफ। अब सब्जी बनाने के लिए कोई भी कढ़ाई या पैन रखेंगे, गर्म हो जाएगा तो उसमें सरसों का तेल बनाएंगे। सरसों के तेल में अगर बनाएंगे ना तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। जैसे ही गर्म हो गया है फ्लेम को धीमा कर देंगे। जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यहाँ पे हम साबुत मसाले डालेंगे। थोड़ा सा मैंने काली वाली राई डाला है, थोड़ा सा साबुत अजवाइन डाला है और थोड़ा सा जीरा डाला है साबुत, और हींग डाला है, और एक साबुत खड़ी मिर्ची मैंने डाला है। ये सारी चीजें डाल के कुछ सेकेंड तक हमें सौते करना है और इससे सब्जी में जो है ना बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी और जरा सा भी कहीं भी खाने पे ना गले में खुजली नहीं होगा। और जैसे ही लगे कि थोड़ा सा चटकने लगा है तो जो हमने सिलबट्टी पे तैयार किया है ना कूट के मसाला वो डाल देंगे। धीमे फ्लेम पे इसे थोड़ा कुछ सेकेंड के लिए भुनना है हमें। जब तक कि वो मसाले भुन रहे हैं एक तरफ, मैंने फ्लेम को एकदम धीमा रखा है, तब तक एक कटोरी में ना इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे और यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला ले लेंगे, क्योंकि धनिया तो हमने इसमें डाल ही दिया है, बाकी का इसमें कुछ भी नहीं जाना है। इसको मिक्स करेंगे और एक साथ ही फिर से इसमें डाल देंगे।
मैंने एक तरह से कटोरी में इसलिए मिलाया है कि इसमें लहसुन प्याज कुछ ऐसा नहीं है, टमाटर की मसाले भुनने में जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अगर बारी बारी हम मसाले डालेंगे ना तो ये मसाले जो है जलने लगेंगे। अगर बिना लहसुन प्याज टमाटर के कुछ बना रहे हो तो वैसे ही मसाले एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और बनाएंगे तो मसाले जो है जलेंगे नहीं। इतने देर में अच्छे से फ्राई हो गया था, मैंने स्वाद के हिसाब से इसमें नमक डाला है और फिर जो अरबी है वो डाला है। इसको हल्के फ्लेम पे ना इसको भुनना है, बहुत बढ़िया सा भुनना है। और इसके साथ ही इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे जो बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके हाथों से। ये सब डाल के जब ये सब्जी बनाएंगे ना तो थोड़ा सा भी ये सब्जी खाने में ऐसा नहीं लगेगा कि गले में खुजली हो रही है, या जब हाथों से कट करते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाथों में खुजली हो रही है, तो बस उतना तक ही रह जाएगा। बहुत मज़ेदार सब्जी बनेगी। धीमे फ्लेम पे मीडियम करके ना हमें इसको भुनना है। अरबी जो है एकदम से पका हुआ है और मसाले जो है कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा भुनना है, लेकिन इसको क्रिस्पी अगर बनाना है ना तो मीडियम फ्लेम पे इसे बहुत बढ़िया से फ्राई कर दें, थोड़ा सा उलट पुलट के हल्के हाथों से चलाएंगे और इसको बढ़िया से टॉस कर देंगे। ये देखिए कलर यहाँ पे चेंज हो गया है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। अभी हमारी जो अरबी की सब्जी है ना ये बन के तैयार हो गई है। यहीं पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी मैंने इसको फ्राई किया है तो इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। दाल चावल के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है ऐसे भी, और पराठे के साथ रोटी के साथ भी अच्छा लगता है। अगर आपको ग्रेवी लगानी हो तो जैसे ही मसाले भुन जाए ना हल्का सा यहाँ पे पानी डाल के ग्रेवी भी लगा सकते हैं और प्याज और टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। मैंने तो इसको फ्राई बनाया है इसीलिए इसमें मैंने डाला नहीं है। बस ये गर्मा गर्म सब्जी जो है हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे फटाफट से सर्व कर सकते हैं और इसको आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं। जैसे कि अरबी को अगर उबाल के आपने रख दिया है ना तो फिर इसको फ्राई करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगे, क्योंकि कुछ अलग से काटना पीटना ही नहीं है। बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी ना ये सब्जी जो है बन के तैयार हो जाएगी और पराठे और रोटी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैंने ये धनिया की पत्ती से गार्निशिंग कर दिया है जिससे इसका लुक भी बहुत अच्छा हो गया है और खाने में बहुत ही मज़ेदार आएगा, क्योंकि अंदर भी इसके धनिया की पत्ती कूटी हुई गई है, ऊपर से मैंने गार्निशिंग कर दिया है। गर्मा गर्म अरबी की सब्जी बन के तैयार है, ये मैंने फ्राई किया है। आप इसे ग्रेवी भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ऐसे बनता है ना फ्राई वाला वो बहुत अच्छा लगता है, जैसे दाल चावल के साथ या पराठे के साथ। इसे आप लंच में टिफिन के लिए भी ले जा सकते हैं। अरबी को उबाल के आप रख लीजिए, जैसे ही निकलना हो ऑफिस के लिए या बच्चों को देना हो तो फटाफट से तड़का लगाया और सब्जी जो है बन के तैयार है। बस इसमें थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी पड़ती है कि जो ये अरबी होता है ना ये बहुत अच्छे से साफ करना पड़ता है, मिट्टी इसमें ज़्यादा होती है, वो पहले से आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और इसको जब आप उबालने के बाद से छीलने के बाद से ना हाथों में थोड़ी सी खुजली होती है, जैसे अरबी की जो खेती होती है तो कहावत होता है ना कि भुया के खेत में, तो वो सही में है खुजली होती है, लेकिन हम थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने अरबी की सब्जी उबाली है और बनाई है। बहुत अच्छे से बन जाएगा, बस इसको अच्छे से साफ कर लीजिए। और जो इसमें डाले जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जरूर डालिए, जैसे कि मैंने अजवाइन डाला है और हींग डाला है और कसूरी मेथी, ये सारी चीज़ें जो है ना इसका जो थोड़ा सा ये गले में खराश या कुछ ऐसे होता है ना खुजलाहट वो कम कर देता है, रोक देता है। और लास्ट में अमचूर पाउडर डालिए, अगर अमचूर पाउडर नहीं हो तो नींबू का रस निचोड़ दीजिए या थोड़ा सा घर में अचार होते हैं उसके मसाले एक चम्मच डाल के ऐसे फ्राई कर लीजिए, बस इस सब्जी में जान आ जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर हम करके बनाएंगे तो सब्जी बहुत कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं और न्यू मज़ेदार रेसिपीज के साथ। थैंक यू।